अक्सर लोग काल सर्प की पूजा करते हैं नागपंचमी में, क्या होता है काल सर्प? देखिए, काल सर्प योग की बात करें ना, तो सारे ग्रह यूं घूमते हैं पृथ्वी के और सूर्य के, ऐसे चक्कर लगाते हैं हमारे वेदों और ग्रंथों के अनुसार। और राहु केतु जो है एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, जो जी है जिसे कहते हैं उल्टी गति जिसे कहते हैं, ठीक है। जी और जब ग्रह जो है ऐसे योग बन जाते हैं कि सारे ग्रह एक एक साथ में आ जाते हैं और राहु केतु के अंदर आ जाते हैं, कुंडली के अंदर, दोनों की दृष्टि के अंदर बंध जाते हैं, राहु मान लीजिए ये, केतु ये, और सारे ग्रह इस साइड में, तो वो बन जाता है कालसर्प योग। उसे कहते हैं संपूर्ण कालसर्प योग। जी और ये क्या क्या फल देता है, और दूसरा आप इसको जान सकते हैं, आपके हाथ में जो भाग्य रेखा जो होती है, अगर वो सर्पनुमाकार है तो भी कालसर्प योग आपके हाथ में और आपके जीवन में प्रभाव रहता है। और जो युवतियां, जो भक्तजन, जो कि सावन मास में और सावन से पहले जो है पानी के और सर्प के सपने देखते हैं, उनके जीवन में भी कालसर्प योग का प्रभाव रहता जी है। जी आचार्य जी, जिनको, जो लोग काल सर्प दोष से ग्रसित हैं, जिनकी कुंडली में ये दोष है, वो किस तरह से पूजा अर्चना करते हैं? पहले हम बताए थे कि कालसर्प योग दोष में क्या क्या फल, अशुभ फल प्राप्त होता है। पहले जी चीज ये कि मेहनत के अनुसार व्यक्ति को फल प्राप्त नहीं होता है, कितनी भी मेहनत कर ले उसको उसका प्रतिफल मिलेगा ही नहीं। और घर में रोग व्याधि हमेशा प्रॉपर बना ही रहेगा, निरंतर बना रहता है। जीवन में लोगों का अच्छा करने के बावजूद भी उसको अपयश और शत्रुता उठानी पड़ती है, व्यापार में नुकसान होता है, साझेदारी में नुकसान होता है, ये होता है कालसर्प योग का प्रभाव। जी आप नाग की कैसे पूजा करें, कल जो है सबसे अच्छा मुहूर्त जो अगर देखा जाए, प्रातः 6 बजे से लेकर 11 बजे का नाग की पूजा का बहुत अच्छा मुहूर्त है। सर्वप्रथम जो है मेष, मिथुन, सिंह, तुला और कुंभ राशि वाले सफेद वस्त्र पहने। मैं बार बार कह रहा हूं कि वस्त्रों की बहुत महत्वता है, वस्त्र अगर आप सही पहनेंगे तो भोलेनाथ को और नागराज को आप प्रसन्न कर पाएंगे। और वृष, कर्क, कन्या और वृश्चिक और मकर और मीन राशि वाले काला कपड़ा पहन के नागराज की पूजन करें। अब नागराज की पूजन कैसे करें, ओम श्री गणेशाय नमः, इस मंत्र का पहले 11 बार पाठ कर लें, उसके बाद चंदन का लेपन नागराज पे करें और एक मंत्र बोल ले, ओम अनंत माये नमः। दोबारा बोल देता हूं, ओम अनंत माये नमः, इस मंत्र का मुंह के अंदर जाप करते हुए शिव का चंदन से लेपन करें। उसके बाद क्या करें, दूध, चीनी, चावल, हल्दी की गांठ जो है और घी, ये जो है नाग देवता के ऊपर चढ़ाए और बोले ओम तक्षकाय नमः, ये मन के अंदर बोलते रहे और ये चढ़ाते रहे। और फिर ये कि एक लाल धागा ले ले जिसे कहते हैं कलावा, उस पे 7 गांठ मार के और उसको जो है चढ़ाए नाग देवता के ऊपर और एक मंत्र बोल दें, उसकी एक माला कर दे, ओम सर्पेभ्यो देवेभ्यो नमः। दोबारा मंत्र बोल रहा हूं, ओम सर्पेभ्यो देवेभ्यो नमः। ये मंत्र का जाप करोगे तो आप 5 तत्व जो काम, क्रोध, मोह, लोभ, लालच, जिसमें जीवन आदमी का चलता रहता है, ये इससे मुक्ति होगी और मोक्ष को प्राप्ति होगी। जी चलिए आचार्य जी, ये तो हमने बता दिया कि किस तरह से पूजन करना है, लेकिन आचार्य जी, किस किस तरह की कुंडली में काल सर्प दोष होता है और किस तरह से वो पूजा अर्चना करें? देखिए, ऐसा है कि कालसर्प योग के बारे में अगर देखा जाए ना, तो बड़ी भ्रांतियां हैं। मतलब ये कि जजमान लोगों को, भक्तजनों को, जो भी कुंडली दिखाने जाता है उनको पता ही नहीं होता कि हमारा कालसर्प योग होता है और कालसर्प योग कैसे होता है, और वो बड़े भ्रम में रहते हैं कालसर्प योग को लेकर। पहले चीज मैं बता दूं, जिनको पता नहीं है कि उनका कालसर्प योग है कि नहीं है, तो मैंने ऐसा हमने एक रिसर्च की है जिसके माध्यम से आप पता लगा सकते हैं कि इसके अंदर कालसर्प योग है। जैसे कि जिन जातकों का जन्म 1970 से लेकर 1974 में हुआ है, उनकी पत्रिका में 80% कालसर्प योग बनेगा। जिन जातकों का जन्म 1980 से लेकर 1982 में हुआ है, उनकी पत्रिका में भी 80% कालसर्प योग बनेगा। जिन जातकों का जन्म 1985 से लेकर 1988 में हुआ है, उन जातकों की जन्म पत्रिका में भी 70% कालसर्प योग बनेगा। जिन जातकों का जन्म 1995 से लेकर 1997 में हुआ है, उनकी पत्रिका में भी 75% जो है कालसर्प योग का प्रभाव देखने को मिलेगा। और जिन जातकों का जन्म 2000 से लेकर और 2002 तक हुआ है, उन जातकों के जन्म पत्रिका के अंदर भी 70% कालसर्प योग मिलेगा। और जिन जातकों का जन्म 2007 से लेकर 2009 तक हुआ है, उन जातकों के पत्रिका में भी कालसर्प योग का प्रभाव 63% मिलेगा। जी चलिए, ये तो हमने बात कर ली कि किन किन तरह की कुंडलियों में कालसर्प दोष होता है, लेकिन आचार्य जी, ये जो प्रतिशत आपने बताया है उसके हिसाब से कितना असर पड़ता है व्यक्ति के जीवन पर कालसर्प दोष का? देखिए, मैं बता देना चाहता हूं कि कालसर्प योग बहुत ही भयंकर योग कहा जाता है।
मतलब एक मान्यता के अनुसार ये कहा जाता है कि शिव भगवान ने ग्रहों को मान्यता दी, चंद्रमा को मान्यता दी, गंगा जी को मान्यता दी, तो सर्प जो उनके गले में धारण है उनको मान्यता नहीं दी। तो सभी ने बोला कि शिव भगवान ने आपको कोई मान्यता ही नहीं दी है और आप उनकी भक्ति में लीन रहते हैं। तो शिव जो नाग देवता है उनके मन में ये बात जो है ये कुंठा आई उनके मन में, तो उन्होंने क्या किया, शिव भगवान तो भोलेनाथ अंतर्यामी, उन्होंने देखा, उन्होंने इनको वरदान दिया कि आज से जो है पत्रिका के अंदर काल सर्प योग पाया जाएगा, जो कि हर 5 वर्ष में 2 वर्ष या 3 वर्ष आएगा, और जो लोग तेरी पूजा करेंगे, अर्चना करेंगे, वो मेरी भक्ति को प्राप्त होंगे और मोक्ष को प्राप्त होंगे, वरना जीवन भर संघर्ष रहेगा जिंदगी के अंदर। जी चलिए, ये तो बात हमने जान ली आचार्य जी, लेकिन किस तरह से बचाव किया जाए कुंडलियों में, जिस तरह काल सर्प दोष आपने बताया कि देखे जाते हैं, लोग भयभीत भी रहते हैं, लेकिन उसके बचाव के लिए क्या कुछ किया जाए? मैं आपको ये बता दूं कि कुछ काल सर्प योग ऐसे भी होते हैं जो कि खराब नहीं होते, अच्छे होते हैं, और कुछ काल सर्प योग खराब होते हैं। जैसे कि मैं बताना चाहूँगा, सन 1970 से लेकर 1974 में जो काल सर्प योग जिनकी पत्रिका में बन रहा है, उनका पारिवारिक जीवन उलझन भरा रहेगा, व्यापार में हानि होगी, कर्जे के बोझ से वो दबे रहेंगे, कर्जे से ही उनका घर बार चलेगा, व्यापार चलेगा, संतान से भी उनको कुछ परेशानी आएगी, और हृदय रोग, बीपी, नेत्र और जोड़ों के दर्द की परेशानियां रहेगी, और वैवाहिक जीवन उनका अच्छा नहीं चलेगा। उनको काल सर्प योग का पूजन और समाधान करना चाहिए। और फिर दोबारा बात कर लेते हैं, और जिन जातकों का जन्म 1980 से लेकर 1982 में हुआ है, उन जातकों में जिनकी पत्रिकाओं में काल सर्प योग बना हुआ है, वो वैज्ञानिक विचारधारा वाले रहेंगे, समाज में उनको मान प्रतिष्ठा मिलेगी, मित्रगण से थोड़ा सा सावधान रहे, वहां से धोखा प्राप्त होगा, वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, पर विवाह से पहले और विवाह के बाद प्रेम प्रसंग रहने के पूरे योग बनते हैं, मानसिक शांति नहीं मिलेगी आपको, मानसिक अशांति रहेगी और पिता से कटुता रहेगी जीवन के अंदर। चलिए आचार्य जी, किस तरह से बचाव किया जाए, पूजा किस तरह से की जाए कि काल सर्प दोष से बचा जा सके? देखिए, काल सर्प दोष से बचने के लिए ये कि आप दो तरह की विधियां आती है, एक तो होती है कि आप धाम के दर्शन कीजिए, जो प्रभु के जो 12 ज्योतिर्लिंग है उनके धाम के दर्शन कीजिए, उससे आपका काल सर्प योग दूर होता है। नहीं तो आप जो है कल नागपंचमी है, नागपंचमी के दिन पहला चीज तो ये ज्ञात हो कि उसी नाग की पूजा करनी है जिसके 5 फन हो, वरना कोई प्रभाव नहीं है, क्योंकि 5 भूति चीजों से ही तो आपको बचना है, इन्हीं चीजों से बचोगे तभी तो आपको कुछ फल प्राप्त होगा। आप नाग की पूजा कीजिए और जल चढ़ाइए उनको, ओम नमः शिवाय का पाठ कीजिए, एक माला पाठ कीजिए, नाग देवता से प्रार्थना कीजिए, नाग देवता में सबसे प्रभावशाली देवता नाग तक्षक है, तक्षक से विनती कीजिए कि मेरी पत्रिका में काल सर्प योग बन रहा है, उसे नष्ट कीजिए। ऐसा कहने से ही, हृदय से अगर आप बिल्कुल प्रार्थना करेंगे तो भोलेनाथ तक पहुंचेंगे, क्योंकि सावन मास में भोले जी तो सुनते ही बात, तो उनके शिष्य और उनके चेले जरूर सुनेंगे, और वो हैं आपके नागराज जी। जी बिल्कुल सुनेंगे। चलिए आचार्य जी, फिलहाल हम एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के उस पार भी हम आपसे यही जानेंगे कि किस तरह से काल सर्प का उपाय किया जाए और किस तरह नागपंचमी की पूजा अर्चना की जाए। चलिए फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकते हैं।
के बाद आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत है और आज हम चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह नागपंचमी मनाई जाए और काल सर्प दोष जिनकी कुंडलियों में है वो किस तरह से पूजा अर्चना करें कि उससे मुक्ति मिले और उसका फल बदल जाए। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रकाश जोशी जी और लगातार आपको बता रहे हैं कि किस तरह आप उपाय कर सकते हैं। और चलिए सीधे रुख करते हैं आचार्य जी का। आचार्य जी आपके पास एक बार फिर से जानेंगे, अभी हम चर्चा कर रहे थे कि अलग अलग जो जन्मतिथि होती है, जो वर्ष होते हैं, उनमें अलग अलग प्रभाव होता है जिन जातकों पर काल सर्प दोष हो। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि 1985 से अगर हम 1988 के बीच की आपने बात बताई थी, उन जातकों पर किस तरह काल सर्प दोष का असर होता है और वो किस तरह से पूजा अर्चना करें तो उससे मुक्ति मिलेगी। 1985 से लेकर 1988 तक जो जिन जातकों की पत्रिका में कालसर्प योग बन रहा है ना, उनका पारिवारिक जीवन तो अच्छा रहेगा, भाग्योदय घर से दूर होगा। दूसरा ये कि माता पिता का सुख पूर्ण तरीके से नहीं मिलेगा, पेट संबंधी बीमारी के योग बनते हैं, पथरी के थोड़े से योग बनते हैं, विद्या के अनुरूप करियर में सफलता नहीं मिलेगी, नौकरी में जीवन भर परिवर्तन रहेगा, नौकरी से ये जातक जो है संतुष्ट नहीं रहेंगे, हमेशा परिवर्तन बना रहेगा और भाई बहनों के लिए हमेशा चिंतित रहेंगे। और 26 से लेकर 32 तक भयंकर दुर्घटना, चोट राहु के कारण और ऑपरेशन के योग बनते हैं, इसलिए कालसर्प योग का पूजन कर लें। चलिए चलिए आचार्य जी, हमने बात कर ली इन जातकों को किस तरह से पूजन करना चाहिए। आगे बढ़े आपसे अगर ये जाने कि 88 से 97 तक के बीच जिन लोगों की पैदाइश हुई है उनकी कुंडली पर क्या कुछ असर होता है काल सर्प दोष का और कितना प्रतिशत होता है? देखिए जो 88 से लेकर 1997 तक में जो कालसर्प योग बन रहे हैं वो अपने बलबूते पर कामयाबी अर्जित करेंगे और माता पिता से थोड़ा विचारों में मतभेद इनके रहेगा, मित्र गण से धोखा मिलेगा, उनसे लाभ प्राप्त नहीं होगा, उनसे हमेशा सतर्क रहिए और हमेशा स्वास्थ्य को लेकर कुछ ना कुछ चिंता बनी रहेगी। राहु आपके ऊपर हमेशा स्वास्थ्य और आर्थिक नुकसान करता ही रहेगा आपका। समाज में मान प्रतिष्ठा आपकी बढ़ती रहेगी, सामाजिक मान प्रतिष्ठा बहुत अच्छी रहेगी। धन की स्थिति में देखा जाए तो 42वें वर्ष के बाद सुधार आएगा। 17 से लेकर 25 तक राहु का प्रकोप आपके ऊपर अधिक रहेगा। विद्या में विघ्न, पेट की बीमारी, कुछ वाहन से दुर्घटना इत्यादि के योग बनाता है। इंजीनियरिंग और डॉक्टरी की शिक्षा के योग आपके बनते हैं और कुछ बढ़िया भी रहेगा कालसर्प योग। और जिनकी पत्रिका में कालसर्प योग बन रहा है वो पूजन और अर्चना कर ले, जो कि हम आप इसके बाद बताएंगे आपको। और चीज बताना चाहता हूं मैं कि 2001 से लेकर और 2002 में जो पत्रिकाओं में कालसर्प योग बन रहा है वो योग बहुत अच्छा है, करियर के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन माता पिता के लिए थोड़ा खराब रहेगा, उनके स्वास्थ्य को और आपसी मतभेद रहेगा उनके बीच में और समाज में मान प्रतिष्ठा अच्छी रहेगी। ऐसे जातक जिनका 2001 से 2002 में कालसर्प योग बनता है वो धनवान रहेंगे, धन की तो उनके पास अपार कृपा रहेगी, पत्नी उनको गुणवान मिलेगी, मनपसंद शादी के योग बनते हैं, ईश्वर की ओर धार्मिक रुचि रहेगी उनकी, सर्दी खांसी जुखाम के योग बनते हैं उनके और 23 वर्ष के बाद उनको थोड़ा सा शारीरिक कष्ट के योग बनते हैं 23 से लेकर और 25 के बीच में, और जीवन में सफलता अच्छी मिलेगी। जी आगे बढ़े, अगर 2007 से 2009 के बीच जो जातक हैं जिनकी जन्मपत्री है उनके लिए किस तरह के योग, किस तरह का फल होता है? 2007 से 2009 में जिनका कालसर्प योग बन रहा है उनकी माली हालत में परिवर्तनशील रहेगा, मतलब माली हालत कभी अच्छा रहेगा कभी खराब रहेगा। 1 से लेकर 6 साल तक उनको जो है राहु का प्रकोप के कारण माता के स्वास्थ्य और अपने स्वास्थ्य में कुछ ना कुछ परेशानी लगी रहेगी, बीमार अधिक रहेंगे, परिवार का सहयोग इनको प्राप्त होगा, क्रोध इनके अंदर अधिक रहेगा और 32 वर्ष के बाद भाग्य दोगा। और वैवाहिक जीवन की बात करें तो बहुत अच्छा नहीं रहेगा और पूर्वज द्वारा जो अर्जित की गई प्रॉपर्टी